सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि कानून बिल को लेकर जहां एक ओर किसान 63 दिनों से बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी किसानों के समर्थन में इस बिल का विरोध कर रही है। वहीं आज काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह बिल अडानी व अंबानी के हित का बिल हो सकता है, हम सब इसका विरोध करते हैं। साथ ही कहा कि यदि केंद्र सरकार कृषि कानून बिल को वापस नहीं लेती है तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को कांग्रेस बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी। काला पीपल से बबलू जायसवाल की रिपोर्ट। किसानों को संदेश तो बड़ा स्पष्ट है, ये जो अध्यादेश लाए गए हैं इनमें लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात कि सर्वसम्मति, जब मोदी जी ने ये कहा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें सबका विश्वास वाला तत्व है ही नहीं। अगर संवाद है नहीं, प्रधानमंत्री कच्छ जा सकते हैं किसानों से बात करने, लेकिन 20 किलोमीटर पर लगभग 60 दिनों से बैठे हुए उन किसानों से जो ठंड में परेशान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अगर एक भी आदमी कहीं खड़ा होता है उससे भी बात करने का धर्म होता है किसी भी हुकूमत का, लेकिन 60 दिन से उनके सर पे जू नहीं रंगी है। ये सरकार पूर्ण रूप से अपने तानाशाही रवैये के कारण कि जो हमने कर दिया है, अरे लोकतंत्र की पहली आवश्यकता होती है कि अगर हमने कोई गलती करी है तो हम चार कदम पीछे हटने की, अगर वो पीछे हटेंगे विनम्रता से स्वीकार करेंगे तो ये देश के इतिहास में नाम लिखा जाएगा, मगर वो जिद पर हैं, हम ये नहीं करेंगे, संशोधन तैयार हैं। जब वो संशोधनों के लिए तैयार हैं तब उनके जो मंत्री हैं कैबिनेट के सारे देश में जाकर के इस तीनों अध्यादेश के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है इसका मतलब ये है, ये बड़ा इनके अलग अलग रूप है। एक व्यक्ति वार्ता कर रहा है, दूसरा विरोध कर रहा है, प्रधानमंत्री अपने विश्वास के संकट को टीवी पर बता रहा है। कहने का मतलब यह है कि सरकार दरअसल फंस गई है और जिद में अहंकार में ये इस गलत कानून के पक्ष में खड़ी हुई है। अभी भी समय है, हमारे प्रधानमंत्री उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप जनहित में किसान हित